दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा जो है आज दशहरा के त्यौहार में कैसे रावण बनाया जाता है, और आज हम रावण दहन भी करेंगे। और हमारे साथ सुजल भाई जो है मिस्त्री का काम कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा रावण बनाने की प्रक्रिया उन्हीं को हमने सौंप दी है। और वो है सूखा घास, और ये है डंडी, और ये पीटिया और तारकोल वगैरह है। तो आज हम आपको रावण दहन बताएंगे। तो पहले तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे YouTube फैमिली को। और सुजल भाई जो है हमारे अच्छे प्रयास करते हैं, तो हम भी थोड़े इनके साथ हेल्प करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। कुछ थोड़ा लेट हो गया, अभी का टाइम हो रहा है जो 2:30 बजने वाला है, और ये सुजल भाई थोड़ा इतने सजावट से नहीं बनाना है जो कि हमें और टाइम लगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से हम बना लें, और 4-5 बजे तक, 5 या 6 बजे तक हम इसे दहन कर लें, और इस पर थोड़ा पटाखे वटाखे भी रखेंगे। और फिलहाल सुजल भाई की हेल्प करते हुए, तो इतने इतने इन्होंने बना दिया है, इसकी बॉडी ढक ली है घास से, और भी उनके हाथ और सर रह गया बनाने के लिए। तो हमारे सुजल भाई लगे हैं प्रयास पर, और हम भी थोड़े इनके साथ हेल्प करते हैं, और आप देखते रहिए वीडियो में बनी है कंटिन्यू, आपको आने वाला है आगे मज़ा। रावण जी को ठंड ना लगे इसलिए सुजल भाई ने जैकेट भी ले आई है अपनी पुरानी छोटी, और इनको बढ़िया तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम है सर्दियों का टाइम लग गया है पहाड़ों में, क्योंकि ज़्यादा ठंड बढ़ गई है पहाड़ों में। और सुजल भाई अपनी पुरानी जैकेट जो है इसे पहना रहे हैं, और ये अब खतरनाक लुक में आने वाला है। और इसके थोड़े हाथ और ठीक करेंगे, उसके बाद आपको सर सुर लगाएंगे इसके सूखे घास से, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। और ये 5 मिनट में हो गया, और थोड़ा ये पेटी वागी इसके बाहर से सजाएंगे, उसके बाद आपको फाइनल लुक भी दिखने को मिलेगा। तो व्लॉग में बनिए कंटिन्यू, और इस व्लॉग का एक ही पार्ट में पूरा सीन आ जाएगा। और हमारे सुजल भाई जो है बड़े ध्यान से लगे हुए हैं, तो बने रहिए वीडियो पे, और हम भी थोड़ा सुजल भाई की मदद करते हैं। तो इतना बन गया है रावण, अब इनको थोड़ा लहंगा वहंगा फहराते हैं और बढ़िया बनाते हैं। और भी सुजल भाई इसके अंदर पटाखे कीटते हुए, मतलब पटाखा भरते हुए, और ये प्रियंक भाई भी लगे हैं पटाखा भरने में, और सर का लुक देख सकते हो भाई, जैकेट जिस तरह से पहना रखी है ना भाई साहब, सुजल भाई को रावण बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए भाई। और अभी इसमें ये गत्ते को इसके नीचे पहनाएंगे, तो अभी क्योंकि ये ऊपर से मोटा नीचे से पतला लग रहा है, तो इसको अभी हम इस पर पहनाते हैं। तो पहले इनको अपना कार्यक्रम करने दो, देख सकते पटाखे भर रहे हैं भाई भर भर के, तो आज आने वाला है मज़ा। तो व्लॉग में बनिए कंटिन्यू। तो अभी इसका फाइनल लुक आया नहीं है, पर हमने यहाँ पे इतना बना दिया इसे, और इसका मुखौटा वगैरह, मूंछ वगैरह हम गत्ते में बना के लाएंगे घर से, स्केच से, मार्कर से बना के, अच्छे से मूंछ वगैरह बना के। तो अभी ये ऐसा लग रहा है कुछ, तो इसको और तैयारी कर देंगे, तब तक हम इसे उधर रख देंगे पीछे, और उधर अमरूद भी लगे हैं, और ये दोनों अब अपने कार्यक्रम में बिजी है। तो इसका जो है मुँह वगैरह हम घर से ही बना के लाएंगे, और इसे हम वहाँ छुपा देते हैं, तो इसे छुपाते हैं, और घर पे हम इसका जो ये सब बनाएगा वो बनाएगा सुजल भाई, क्योंकि इसी की वो है ये आइडिया, तो वही इस आइडिया को पूरा करेगा। तो इसको हम छुपाते हैं, और ब्लॉग में मैंने कंटिन्यू। तो अभी हम ले जा रहे हैं इसे गाँव से थोड़ा बाहर दूर जंगल में, और अभी हम इसको इस प्रकार ले जा रहे हैं, सुजल भाई भी कंधे में अपने, और मैं भी कंधे में। तो मिलते हैं आपको लोकेशन वाले पॉइंट पे, और ये देख सकते हो आप हमारे रावण जी को आराम से सो रखे हैं, तो वहीं चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपको। तो 4:50 हो चुके हैं, अब 10 मिनट और 5 बजे हम इस रावण को फूंक देंगे, जला देंगे, और सब इंतज़ार करते हुए हमारे दोस्त लोग सभी, ये देखो कालिया बहुत ही एक्साइटमेंट है।
तो टाइम हमारा हो चुका है पूरा, तो अब हम बच गए हमारे पास, तो अब सुजल भाई और मैं रावण का दहन करते हैं। तो पहले हम रावण ओ भाई जो भाई साहब पटाखे वटाखे सब रखे हैं बहुत ही सामने भाई, इतने सामने हूँ मैं इसके। गाइस फुल एंजॉय। और भाई साहब अब देख सकते हो मतलब पटाखे भी जल सकते हैं भाई, अब पटाखे उछल के गाय हो गया। गाइस रावण दहन यहाँ पर हमारा तो हमारा जो रावण दहन है वो समाप्ति की ओर बढ़ गया है, और मतलब समाप्ति हो गया है, और बहुत ही अच्छा लगा हमें इसे जला के। पर हमने जल्दी ही जला लिया क्योंकि और हमारे सारे साथी रील्स वील्स बना रहे थे, लाइव वाइव चल रहे थे सुजल भाई और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और क्योंकि हमने इसलिए जल्दी जला दिया क्योंकि यहाँ भालू का डर है, तो इसलिए हमने जल्दी ही जला दिया। और देख कब क्या हाल हुआ जो है, बस बीच बीच की लकड़ी बच गई, बाकी सारा चीज़ जल गया है, पटाखे वटाखे सब जल गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं वो अभी। और सुजल भाई हमारे लाइव चल रहे हैं, अगली बार गाइस अगली बार बहुत बढ़िया करेंगे, हो सके तो अगली बार रात को करेंगे और भी बढ़िया करेंगे, जो कि आपको भी देखने में इंटरेस्ट हो और बढ़िया भी लगी। तो अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आशा करूँगा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।